तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखना क्वेश्चन की बात करते हैं, डिजाइन ए सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन, मतलब इस पे बेस हम क्वेश्चन कर रहे हैं, डिजाइन ए सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन फॉर सर्विस बेंडिंग मोमेंट, फॉर सर्विस बेंडिंग मोमेंट कितना दे रखा है 200 किलोमीटर मीटर, M30 Fe415 और इफेक्टिव पावर दे रखा है 50 Nm. अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखना ध्यान से इसका सॉल्यूशन, मतलब हमें सर्विस बेंडिंग मोमेंट दे रखा है, सर्विस बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या हो गया, वर्किंग बेंडिंग मोमेंट दे दिया हमें, मतलब सर्विसिबिलिटी कंडीशन में कितना बेंडिंग मोमेंट है 200, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट, तो स्टेप वन क्या हो जाएगी हमारी, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा इंटू वर्किंग या सर्विस बेंडिंग मोमेंट, सर्विस बेंडिंग मोमेंट। तो देखो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट आपका क्या जाएगा, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है 1.5 होती है डेड लोड और लाइव लोड के लिए, मोस्टली हम कॉम्बिनेशन भी ये मानते हैं, 1.5 इंटू 200 दैट इज इक्वल्स टू 300 किलोन्यूटन मीटर, ये आपका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट आ चुका है कि डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कितना होगा 300 किलोन्यूटन मीटर। स्टेप सेकंड में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो स्टेप सेकंड में आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको अज्यूम करना है बी बाई डी का रेशियो, तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं, अज्यूम बी बाई डी रेशियो किस किस के बीच में होना चाहिए, 0.3 और 0.7 के बीच में, और हमने बात की थी कि मोस्ट सुटेबली कौन सा अज्यूम करेंगे, बी बाई डी इक्वल्स टू 0.5 अज्यूम करेंगे, और इसी के बिहाफ पर हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ, इसका मतलब बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 0.5 टाइम्स ऑफ डी लिख सकते हैं। तो देखना ध्यान से स्टेप थ्री में कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ, स्टेप थ्री क्या हो जाएगी आपकी, कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ, तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ में क्या हो जाएगा, एमयू लिमिटिंग, जो एमयू लिमिटिंग है वो तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसी को हम क्या मान लेंगे, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट के इक्वल दैट इज क्यू बी डी स्क्वायर। तो देखना ध्यान से यहां पर जब हम क्यू की वैल्यू होती है वो रखेंगे, तो क्यू की वैल्यू मैंने पहले बताई भी है Fe415 के लिए क्या होती है 0.138 Fc के, याद होगा आपको, पिछले लेक्चर नहीं याद हो तो आप पिछला लेक्चर, पिछले दो लेक्चर को रिवाइज करें अच्छे से, उसमें आपको पता चल जाएगा कि Q की वैल्यू कैसे आती है। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना लिख दिया हमने 300 किलो न्यूटन मीटर, तो किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन एमएम में चेंज करते हैं, 10^6 से न्यूटन एमएम इक्वल्स टू, यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या रख देंगे 0.138 Fc के, ये किसके लिए होती है, Fe415 के लिए, और Fe500 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 0.133 Fc के, और यही Fe250 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 0.148 Fc के होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 0.138 Fc के इंटू बी डी स्क्वायर, और देखो ध्यान से कि यहां पर हम बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी की जगह लिख सकते हैं 0.5 डी, तो यहां पर हम क्या कर देंगे 0.5 डी इंटू डी स्क्वायर, हो गया यहां तक। तो Fck की वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पर, Fck हमें गिवन है M30 ग्रेड गिवन है, तो यहाँ से Fck की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि D³, चलो इसको वैसे ही लिखते हैं, पहले इसमें डेटा पुट करते हैं, 300 इंटू 10^6 इज इक्वल्स टू 0.138 इंटू 30 इंटू 0.5 इंटू D³, यहां पर आपकी डी क्यूब बन चुकी है। तो देखना डी क्यूब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आपके पास डी की वैल्यू आएगी, इसका सॉल्यूशन करोगे कैलकुलेटर से तो ये आएगा 525.27 mm, ये आपके पास डी वैल्यू आ गई, मतलब यहां पर हमने क्या बोला था, ये डी कौन सी होगी, डी कैलकुलेटर। इसका मतलब अब हमारी जो हम प्रोवाइड करेंगे डी, मतलब स्टेप फोर में हमने यही कहा था कि प्रोवाइडेड डेप्थ इज मोर देन, मतलब जो डेप्थ प्रोवाइड करेंगे दैट इज मोर देन, स्टेप फोर में क्या आ जाएगा, प्रोवाइडेड डेप्थ शुड बी मोर देन कैलकुलेटेड, मतलब कैलकुलेटेड डेप्थ से क्या होनी चाहिए, ज्यादा, और ज्यादा होनी चाहिए तो हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं, डी प्रोवाइडेड जो हम करते हैं वो हम कर रहे हैं 600 mm, इससे कुछ ज्यादा मान ली, और इससे ज्यादा मानी तो यहां पर बी क्या हो जाएगा 0.5 टाइम्स ऑफ डी,
तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा 300 ml। तो आपके पास B और D का इस केस में डेटा आ गया, प्रोवाइडेड डेप्थ आ चुकी है। अब प्रोवाइडेड डेप्थ आ चुकी तो यहां से हम टोटल डेप्थ भी निकाल लेते क्योंकि हमें इफेक्टिव कवर गिवन है। तो यहां पर टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी, टोटल डेप्थ क्या होती है, डी प्लस इफेक्टिव कवर। तो ये कितना हो जाएगा, 600 प्लस 50 mm, दैट इज 650 mm। ये आपकी टोटल डेप्थ आ गई सेक्शन की, क्योंकि ये हमें एएसटी चेक करने में हेल्प करेगी। यहां तक आपने स्टेप फोर खत्म कर चुके हो। स्टेप फाइव में आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब देखो सेक्शन में आपने डेप्थ ज्यादा प्रोवाइड कर दी, ज्यादा प्रोवाइड करने से सेक्शन क्या हो गया, इफ डेप्थ इज मोर देन कैलकुलेटेड डेप्थ हेंस सेक्शन इज अंडर एनफोर्स्ड एंड एएसटी विल बी क्या हो जाएगा, 0.5 एफसीके अपॉन एफवाई ब्रैकेट 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाय एफसीके बीडी स्क्वायर, कौन सा, प्रोवाइडेड इनटू बी इनटू डी। तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं, कितनी आएगी आपके पास वैल्यूज, तो यहां पर वैल्यू रखेंगे 0.5 एफसीके कितना है 30, एफवाई कितना है 415 ब्रैकेट 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 ये कितना है 300 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइड बाय 30 इंटू 300 इंटू क्या आ जाएगा 600 का स्क्वायर। यहां पर क्या आ जाएगा 300 इंटू 600, यहां से आपका एएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। दैट इज यहां से जब आप एएसटी की कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास एएसटी आएगा 1576.56 mm². ये आपका एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन कैलकुलेट हो जाएगा। यहां पर आप एएसटी कैलकुलेट कर चुके हो, अब आपको क्या करना है, चेक लगाना है एएसटी का। तो आपको चेक लगाना है तो देखो चेक के लिए आपको क्या करना है, एएसटी मिनिमम कैलकुलेट करोगे। चेक के लिए सबसे पहले एएसटी मिनिमम अभी बात करके गए, एएसटी मिनिमम शुड बी, एएसटी मिनिमम की जो भी आपका जो एएसटी कैलकुलेट होगा वो एएसटी मिनिमम कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, इक्वल्स टू मान लेते 0.85 एफवाई इनटू क्या कर दें, बीओडी से मल्टीप्लाई कर दें, बीओडी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बीओडी कौन से होंगे कैलकुलेटेड। तो यहां पर क्या आ जाएगा 0.85 अपॉन एफवाई, एफवाई 415 आ गया इंटू बी आ गया 300 इंटू डी आ गया 600। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 368 के आसपास, 368.67 mm². ये आपका एएसटी मिनिमम आ गया। अब आप क्या करोगे, एएसटी मैक्सिमम कैलकुलेट कर लोगे। एएसटी मैक्सिमम क्या होता है, 4% ऑफ बीडी, मतलब 0.0 क्या होगा यहां पर 0.04 टाइम्स ऑफ बी इंटू डी, बी कैपिटल डी आएगा यहां पर टोटल डेप्थ। तो देखना ध्यान से 0.04 इंटू 300 इंटू 650, यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7800 mm². यहां तक आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहां से आप एएसटी लिमिटिंग को कैलकुलेट कर लो, दैट इज 0.414 इंटू एफसीके अपॉन एफवाई इंटू एक्सयू लिमिटिंग इंटू बी स्मॉल बी लिख देते हैं। तो यहां से जब आप इसके अंदर वैल्यू रखोगे एक्सयू लिमिटिंग की, कितनी रखोगे एक्चुअल लिमिटिंग की रखोगे 0.48 टाइम्स ऑफ डी, देखो सबकी वैल्यू यहां लिख देता हूं 0.48 टाइम्स ऑफ 600, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, इसकी वैल्यू 30, इसकी वैल्यू 415,
जब यहाँ से ये वैल्यू रखोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 2585.75 2585.75 mm². अब हम चेक लगाते हैं, तो देखना चेक लगाने के लिए यहां से ये रफ कर रहा हूं पार्ट, ये वाला पार्ट रफ कर देते हैं। देखना हमारे पास चेक के बाद में हमें डाया भी प्रोवाइड करना होगा ना। चलो देखते हैं, इस पार्ट को इतना इतना रफ कर दिया। तो देखो ध्यान से, अब आप यहां पर चेक लगाएंगे तो आपके पास कंडीशन क्या आ रही है, जो एएसटी है वो ग्रेटर देन है एएसटी लिमिटिंग से, एएसटी लिमिटिंग से नहीं, एएसटी मिनिमम से। ये चेक तो आपका क्या हो गया, ओके। सेकंड, एएसटी शुड बी लेस देन एएसटी लिमिटिंग एंड एएसटी शुड बी लेस देन एएसटी मैक्सिमम, बोथ आर ओके। दिख भी रहा है हमें कंडीशन, 1576 है वो इन दोनों वैल्यू से कम है, और जो आपका एएसटी मिनिमम है उससे क्या है, ज्यादा है। अब आप क्या कर सकते हो, डाया का कॉम्बिनेशन देखोगे। अब डाया का कॉम्बिनेशन आप जो चाहे प्रोवाइड कर सकते हो, बट आपकी ये दोनों कंडीशन फेल नहीं होनी चाहिए। तो डी जो प्रोवाइडेड है, मतलब जो डाया है, डाया ऑफ बार किस तरीके से प्रोवाइड करना है, तो देखो डाया ऑफ बार प्रोवाइड करने के लिए आपको इंडिविजुअल डाया याद होना चाहिए। तो या तो आप यहां से जब आप प्रोवाइड करोगे, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं आपको कि नंबर ऑफ बार जब निकालोगे तो एएसटी अपॉन एफआई रखोगे, तो एएसटी अपॉन एफआई रखोगे तो एएसटी कितना आया, 1576.56। अब एफआई बदलते रहो, सबसे पहले हम 32 एमएम डाया ले रहे हैं तो वो कितना आएगा, तो पाई बाई 4 32 का स्क्वायर, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा 2, 1 पॉइंट कुछ आंसर आता है, तो यहां से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें 32 के बाद में, मतलब हमारे पास डाया क्या है, 32 के अलावा भी काफी डाया है, जैसे 28 हुआ, 25 हुआ, 20 हुआ, 16 हुआ, तो यहां पर हम 28 mm डाया प्रोवाइड करते हैं। तो 28 mm डाया प्रोवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बार में कुछ चेंजेस आएंगे, और नंबर ऑफ बार में क्या चेंजेस आएंगे, तो एएसटी 1576.56 तो एज इट इज रहेगा, और पाई बाई 4 इंटू 28 का स्क्वायर, यहां से करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, 3। अब यही अगर 28 की जगह हम 25 mm प्रोवाइड करते हैं, 25 mm डाया, बट अगर हम इंडिविजुअली 25 mm प्रोवाइड करेंगे और यहां पर हम डाया और बार का कॉम्बिनेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो 25 के साथ साथ हम 20 mm डाया का कॉम्बिनेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि देखो क्या होगा, 25 mm की एग्जैक्ट बार प्रोवाइड करूंगा तो बहुत ज्यादा एरिया ऊपर नीचे हो रहा होगा, बहुत ज्यादा एरिया ज्यादा जा रहा होगा, क्योंकि इसका एरिया क्या होता है, 500 के आसपास, तो तीन बार ये एग्जैक्टली चार बार आएगी, मतलब इसके अंदर जब मैं इसको 25 से डिवाइड करूंगा तो इसके अंदर एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं 25 और 20 का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे प्रोवाइड करेंगे तो हमारी इसकी 25 की चार बार आएगी, जो कि इसका एरिया का गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसकी जब चार बार का एरिया निकालते हो, जब इसको चार से मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड 2000 के आसपास आएगा, और ये एरिया कितना है, 1576, इसीलिए हम क्या करेंगे, दो बार तो 25 की प्रोवाइड कर देंगे, दो 20 की प्रोवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखो अगर हम दो बार इसकी, इसके हम क्या करते हैं, इसकी दो बार तो इसकी प्रोवाइड कर देते हैं 20 mm डाया की, और दो ही बार किसकी प्रोवाइड कर देते हैं, दो बार इसकी और दो बार इसकी, तो देखो इसका कितना हो जाएगा, 498.87 अप्रोक्सीमेटली 1000, और इसका क्या होता है 314.16, तो ये कितना आ जाएगा, 628 के आसपास, मतलब 1628 के आसपास, मतलब ये कॉम्बिनेशन भी अपना अप्रोक्सीमेटली सही है। यहां पर एक कॉम्बिनेशन और प्रोवाइड कर सकते हो आप, दो बार 28 mm डाया प्लस दो बार 16 mm डाया का कॉम्बिनेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डबली रेनफोर्स बीम सेक्शन। थैंक यू।